उमेश पाल हत्याकांड में वांछित शाइस्ता परवीन। तो बड़ी खबर इस वक्त शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। तो आपको बता दें कि रतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता कर सकती है सरेंडर, और इसमें इनपुट्स पहले ही आ रहे थे किस तरीके से पूरा मुफ्ती थाने और धूमनगंज सरेंडर की संभावना जाहिर की जा रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड में वांछित शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी, जिस पर 50,000 का इनाम फिलहाल घोषित है, तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता कर सकती है सरेंडर किसी भी वक्त, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। पूरा मुफ्ती थाने और धूमनगंज थाने में सरेंडर की संभावना है। हालांकि पहले ही लग रहा था कि इनपुट्स इस तरीके के मिल रहे थे कि सरेंडर कर सकती है शाइस्ता परवीन। धीरेंद्र हमारे साथ बड़ी खबर पर जुड़ गया। धीरेंद्र, शाइस्ता परवीन पर 50,000 के इनाम घोषित है, इनपुट्स इस तरीके के पहले भी मिलते रहे, लेकिन अभी क्या कुछ गतिविधियां तेज हुई है क्या? देखिए, लगातार जिस तरीके से असर कसा हुआ आया था, ये माना जा रहा था कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के अंतिम संस्कार के अंतिम बार उससे मिलने जरूर यहाँ पे आएंगी, और यही वजह रही कि वहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। लेकिन जब दूसरे दिन असर कसा हुआ आता है तो उनका जो पैतृक आवास चकिया है वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई, और सीधे सौ को वहाँ से कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर ले जाया गया। अब जिस तरीके से कल ये घटना हुई है जिसमें से कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई है, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब शाइस्ता परवीन और जो अशरफ की पत्नी जैनब है वो अब पुलिस के सामने सरेंडर करेंगी, और जो अंतिम बार अपने पति का यहाँ पर आएंगी, जो अंतिम संस्कार होगा उसमें सम्मिलित होने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर पुलिस की खुफिया इकाइयाँ सक्रिय हो गई हैं, ताजे कपड़े में भी महिला सिपाहियों की तैनाती कर दी गई है, इलाके में आसपास जो है पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। जी, पुलिस का पहरा लगातार धीरेंद्र किस तरीके से बैठाया गया है। ये असद का जब अंतिम संस्कार जब सुपुर्दे खाक करने को लेकर के था, उस वक्त भी ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे कि अपने बेटे के इस तरीके से जनाजे में शामिल होने के लिए माँ जरूर आ सकती है। बिल्कुल आलोक, यही आशंका थी कि जिस तरीके से चकिया में एक दिन पहले ही महिलाओं की भारी भीड़ थी, इसमें सभी जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं थी वो बुरका नसीन थी, और ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उन्हीं महिलाओं के बीच में वो शाइस्ता परवीन भी आएंगी। लेकिन जब असद का शव आया है तो उनका जो चकिया पैतृक आवास है वहाँ पर किसी जाने की अनुमति नहीं दी गई, और सीधे शव को कसारी मसारी के कब्रिस्तान में ले जाया गया है, और कब्रिस्तान में जो लोग जा रहे थे बाकायदा उनका नाम पता मोबाइल नंबर। बिल्कुल, आप नजर रखिएगा इस खबर पर क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन अपने दर्शकों को लगातार बता